हेलो वेलकम, आई एम कंचन और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो आई शेडो लुक डे टाइम के लिए और इवनिंग टाइम के लिए। डे टाइम के लिए जो मैंने आई शेडो लुक क्रिएट किया है, इसका कलर मैंने बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल रखा है, जिसे आप बहुत आसानी से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। डे टाइम के मेकअप में ऐसा होता ही है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा आई शेडो चूज़ करें, कौन सा आई मेकअप करें जो बिल्कुल भी ओवर नहीं लगे। इसलिए इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की कि आप 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके ये आई मेकअप को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड आई शेडो लुक जो मैंने इवनिंग टाइम के लिए चूज़ किया है, उसे मैंने थोड़ा बोल्ड स्मोकी एंड गॉर्जियस लुक देने के लिए डार्क कलर के आई शेडो का यूज़ किया है, जो इवनिंग टाइम के पार्टीज़ के लिए, स्मॉल गेट टुगेदर के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस डे टाइम और इवनिंग टाइम के आई शेडो लुक के लिए जो मैंने आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है, वो रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है। मैंने रेवोल्यूशन के फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव का आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई और आई शेडो पैलेट है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको रेवोल्यूशन का ही आई शेडो पैलेट यूज़ करना है, आप डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट ओकेशन, डिफरेंट मूड और डिफरेंट ड्रेसेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट इस वीडियो को शुरू करने के पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होती, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई मेकअप शुरू करने के पहले मैंने अपना फेस का बेस कर लिया है, अब मैं आई मेकअप शुरू करूँगी। आई मेकअप को शुरू करने के पहले मैं अपने आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर के लिए मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है शेड मीडियम। आई मेकअप शुरू करने के पहले हमेशा कंसीलर को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो आई शेडो का कलर होता है वो निखर कर आता है। इस तरह से मैं कंसीलर को अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी, उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी, जिससे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। देन मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से कंसीलर को सेट कर लूँगी। देन मैं शुरू करूँगी अपना आई मेकअप। मैं इस आई शेडो पैलेट से पीच शेड को चूज़ करूँगी, क्योंकि डे टाइम का मेकअप है और ज़्यादा हमें ओवर नहीं करना है, इसलिए मैं पीच शेड को चूज़ करूँगी। उसे अपने आई क्रीज पर इस तरह से अप्लाई करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से। मैं 2 से 3 बार इस कलर को लूँगी और उसे अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी, जब तक कि मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। मैं इसे सिर्फ अपने आई क्रीज पर ही अप्लाई करूंगी, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ, और उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इस तरह से मैं अपने दोनों आई क्रीज पर पीच कलर को इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट में मुझे सिर्फ पीच शेड ही मिला, इससे रिलेटेड, इससे डार्क मुझे और कोई शेड नहीं मिला। और ये शेड मुझे अपने आई क्रीज पर बहुत ही लाइट लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा डार्केन करने के लिए मैं अपने ब्लशर का यूज़ करूँगी। मैं मेबलिन के मास्टर ब्लशर का यूज़ करूँगी। इसे मैं इसे अपने आई क्रीज पर फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, इस शेड को थोड़ा सा डार्केन करने के लिए, थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए। मैं तब तक इसे अप्लाई करूँगी जब तक कि मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। 2 to 3 times मैं इसे अपने आई क्रीज पर इस तरह से अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आई क्रीज पर कलर ब्लेंड कर लेने के बाद मैं सेम पीच कलर को अपने अंडर आई भी इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। देन सेम आई शेडो पैलेट से मैं स्पार्कल शेड लूँगी और उसे फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी, टैप टैप करते हुए, क्योंकि फिंगर की हेल्प से आई शेडो का कलर ज़्यादा इंटेंस लगेगा हमारे आईज पर। तो मैं इस तरह से इसे फिंगर की हेल्प से दोनों आई लिड पर इसे अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई कर लेने के बाद मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से दोनों कलर को स्मज कर लूँगी, जिससे कोई हार्ड एजेस नहीं दिखे। दोनों आई शेडो के कलर को स्मज कर लेने के बाद मैं सेम रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट से सिल्वर कलर को चूज़ करूँगी और उसकी हेल्प से मैं अपने अंडर आईब्रोज को हाईलाइट कर लूँगी। हाईलाइट कर लेने के बाद मैं अपने आईज पर लाइनर को अप्लाई करूंगी। लाइनर के लिए मैंने लोटस का आईलाइनर लिया है, उसकी हेल्प से मैं अपने आईज पर विंग्स आईलाइनर को अप्लाई करूंगी। इस आई लुक के लिए मैंने विंग्स बनाया है अपने आईज पर, तो इस तरह से मैं विंग्स आईलाइनर को अपने आईज पर अप्लाई कर लूँगी।
आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं अपने अंडर आईज काजल को अप्लाई करूंगी। काजल के लिए मैंने लॉरियल का काजल लिया है और काजल को मैं अपने हाफ आईज पर ही अप्लाई करूंगी, जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूं। मैं अपने वाटर लाइन पर इस काजल को अप्लाई कर लूंगी। हमें हाफ ही अप्लाई करना है काजल को। पहले हम काजल अप्लाई कर लेंगे, देन मैं ब्रश की हेल्प से, ब्लैक आई शेडो की हेल्प से मैं इस काजल को स्मज कर लूँगी। जितनी आपको थिकनेस चाहिए आप उतना इसे स्मज कर सकते हैं। इस तरह से काजल को स्मज कर लेने के बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट से, जो मैंने सिल्वर शेड लिया था अपने आईलिड पर अप्लाई करने के लिए, मैं उसे ही थिन ब्रश की हेल्प से अपने बचे हुए हाफ पोर्शन पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं फॉल्स आईलैशेस को अप्लाई करूंगी अपने आईज पर। आईज पर फॉल्स आईलैशेस को स्टिक करने के लिए मैंने मिस क्लेयर के फॉल्स आईलैशेस गम का यूज़ किया है, जो बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। इस तरह से मैं अपने दोनों आईज पर फॉल्स आईलैशेस को स्टिक कर लूंगी। आईलैशेस के लिए मैंने नायका के नेचुरल आईलैशेस का यूज़ किया है। इस तरह से दोनों आईज पर फॉल्स आईलैशेस स्टिक कर लेने के बाद मैं अपने आईज पर आईलाइनर को फिर से रीअप्लाई करूंगी। आईलाइनर को अप्लाई कर लेने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मैंने मेबलिन का मस्कारा लिया है। मैं इसके ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अप्लाई नहीं करना है मस्कारा, जस्ट अपने नेचुरल लैशेस को फॉल्स लैशेस के साथ स्टिक करना है, तो मुझे उतना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लिया। इस तरह से मैं मस्कारा अपने आईलैशेस पर अप्लाई कर लूँगी। लिप कलर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के मैट लिपस्टिक पैलेट का यूज़ किया है। इस पैलेट से मैंने इस कलर को चूज़ किया है अपने लिप कलर के लिए, क्योंकि ये लिप कलर मेरे आई शेडो के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से मैं इस लिप कलर को ब्रश की हेल्प से अपने लिप पर अप्लाई करूंगी। जितनी आपको डार्कनेस चाहिए आप उतनी बार इसे रीअप्लाई कर सकते हैं। देन मैं अपने चिक्स पर सेम ब्लशर का यूज़ करूंगी। ये मेबलिन का मास्टर ब्लशर है, इससे मैं अपने चिक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। देन मैं सेम ब्रशर का यूज़ करूँगी अपने आई क्रीज पर, क्योंकि मुझे इसका कलर थोड़ा सा कम लग रहा था। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड आई शेडो लुक के लिए मैं मेबलिन के कंसीलर को अपने आईलिड पर अप्लाई करके कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लूँगी। देन मैं वेट एंड वाइल्ड के इस कंटूरिंग पैलेट का यूज़ करूँगी। इसमें से मैं इस हाइलाइटर को लूँगी, इसे अपने अंडर आईज इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। देन मैं रेवोल्यूशन के इस आई शेडो पैलेट से मफ शेड को चूज़ करूँगी अपने आईलिड पर अप्लाई करने के लिए। मैं इस शेड को 2 to 3 टाइम्स अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पर, जब तक कि मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। इस कलर को मैं सिर्फ अपने अंडर क्रीज ही अप्लाई करूँगी। इस डार्क आई शेडो को अप्लाई करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्लैट ब्रश की हेल्प से आई शेडो अप्लाई करने से फॉल आउट बहुत कम होता है। तो इस तरह से मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस डार्क मफ कलर को अपने अंडर क्रीज इस तरह से अप्लाई करूँगी, जब तक कि मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। और मैंने अपने अंडर आई इस हाईलाइटर कॉम्पैक्ट का यूज़ भी इसलिए किया है क्योंकि जो भी फॉल आउट होंगे बहुत ईजिली रिमूव हो जाए, क्योंकि जब डार्क आई शेडो फॉल आउट होते हैं तो हमारा मेकअप बेस इससे ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। इस तरह से आईलिड पर आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं सेम आई शेडो को अपने अंडर आईज भी अप्लाई करूँगी थिन ब्रश की हेल्प से। इस तरह से आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश की हेल्प से अपने हाईलाइटर कॉम्पैक्ट को रिमूव कर लूँगी। देन सेम रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट से मैं अपनी स्किन से मैच करते हुए शेड को चूज़ करूँगी और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिससे कोई भी हार्ड एजेस नहीं दिखे। इस तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं सेम रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट से इस गोल्ड शेड को चूज़ करूँगी और इसे अपने फिंगर की हेल्प से मैं अपने आईलिड पर इस तरह से टैप टैप करते हुए अप्लाई कर लूँगी।
हमें इसे सिर्फ आई लीड पर ही अप्लाई करना है, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से अप्लाई कर लेने के बाद मैं फॉल्स आईलैशेस को अप्लाई करूँगी। मैंने नायका का फॉल्स आईलैशेस लिया है, तो मैं डायरेक्ट इस आईलैशेस को अप्लाई करूँगी अपने आईज पर। फॉल्स आईलैशेस को स्टिक करने के लिए मैं मिस क्लियर के लैशेस गम का यूज़ करूँगी, जिससे बहुत ईजली और बहुत अच्छे से फॉल्स लैशेस स्टिक हो जाते हैं। इस तरह से दोनों आईज पर फॉल्स लैशेस स्टिक कर लेने के बाद मैं आईलाइनर को अप्लाई करूँगी। आईलाइनर के लिए मैंने लोटस का आईलाइनर लिया है और बहुत थिन मैं इसे अपने आईज पर अप्लाई करूँगी। इस तरह से आईलाइनर अप्लाई कर लेने के बाद मैं अपने वाटर लाइन पर काजल अप्लाई करूँगी। काजल के लिए मैंने लॉरियल का काजल लिया है। पहले मैं अपने वाटर लाइन पर काजल अप्लाई करूँगी और इसे स्मज करने के लिए मैं थिन ब्रश की हेल्प से एंड ब्लैक आई शेडो की हेल्प से इसे स्मज कर लूँगी। जितनी आपको थिकनेस चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। देन मैं अपने आई लैशेज पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अपने आई लुक को कम्प्लीट करने के लिए। लिप कलर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का मैट लिपस्टिक पैलेट का यूज़ किया है, उसमें से मैंने इस डार्क शेड को चूज़ किया है अपने लिप कलर के लिए। इस लिप कलर को मैं अपने लिप पर अप्लाई करूँगी। पहले मैं एक बार अप्लाई करूँगी और देन मैं इसे 2-3 टाइम्स अप्लाई करूँगी इस लिप कलर को डार्क करने के लिए। इस तरह से मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी। देन मैं सेम ब्लशर का यूज़ करूँगी, मेबलिन का मास्टर ब्लशर का, अपने चिक्स को हाईलाइट करने के लिए।